सो गाइस देखो ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और तुम किस बात की वीडियो बना रही हो? सो गाइस देखो आज मामी मैगी खिला रही है सब। ये बताओ आप, आपको घास काटनी कैसे आती है? पता नहीं, देख अपने आप चल रहे हैं मेरे हाथ। नहीं आपने कब सीखी क्या कभी काटना? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानस सेंट्रल ब्लॉग्स। सो गाइस देख रहे हो यार, अभी एक बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है मुझसे, गलती से वीडियोस डिलीट हो गई हैं, और मतलब वो रिसेंटली डिलीट भी हो गई हैं सबको, मतलब पूरा सब क्लाउड ड्राइव में भी वो मेरे परमिशन मैंने एक्टिवेट करी नहीं थी अभी, और वो ब्लॉग भी अपनी डाल पाऊँगा यार। और यार ब्लॉग तो मैंने वाला स्टार्ट करा, उसकी भी एक दो वीडियोज़ वो भी डिलीट हो गई, सॉरी भाई यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ। चलो आप लोग इसी वाले ब्लॉग को एंजॉय करो आगे, ठीक है, और फिर उसके नए नए ब्लॉग्स भी आने वाले हैं उनको भी एंजॉय करो। पूरा मूड ख़राब हो गया यार, अच्छा खासा बिल्कुल पूरा ब्लॉग तैयार हो गया था और मुझसे डिलीट हो गई वीडियोस, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ठीक है आप लोग चलो इस वाले ब्लॉग को एंजॉय कर लो अभी, ठीक है, और उसके फिर नए नए ब्लॉग्स आएंगे वो एंजॉय कर लेना। सो गाइस देखो, दिन में तो तुम्हारा भाई सो गया था खाना पीना खाने के बाद, और इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना भाई, इतनी तेज़, क्योंकि रात में एक बार तो सोता हूँ मैं, पता नहीं क्या हो गया है, और दो चार दिन की नींद थी, क्योंकि बीच में भी जब वो हुआ था ना जागर वागर हुई थी हमारे, मतलब उत्तराखंड में होती है, यहाँ पर सारे देवता लोग आते हैं, उनका मतलब डांस कहते हैं, मतलब डांस क्या बोल रहे हैं भाई, कुछ नहीं मेरे बारे में बातें करनी, ठीक है ना, है ना। और देखो इधर चल रहा है सबका, सब लोग मज़े कर रहे हैं अपने अपने, क्योंकि यहाँ बनाएंगे आज हम सब बच्चे लोग मैगी वाले गर्ल्स। अरे पानी टपक गया ऊपर। सो गाइस देखो ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और तुम किस बात की वीडियो बना रही हो? सो गाइस देखो आज मामी मैगी खिला रही है सबको यहाँ पर इस जगह पे, ऊपर नीचे आऊँ तब पूछना मुझसे कि मैगी खिलाऊंगी या नहीं खिलाऊंगी, क्या हुआ? अच्छा हाँ मम्मी, आप तो मॉडलिंग कर रही है बिल्कुल। सो गाइस देखो यहाँ पर मामी हम लोग को आज मैगी खिला रही है, क्यों भाई खिला रही है, नहीं खिला रही है, मामी भाग गई ऊपर, लो। सो गाइस देखो यार, यहाँ पर हम लोग सोच रहे ना आज थोड़े अलग स्टाइल में, क्योंकि यार पहाड़ में आए हैं और ऐसी हरकतें ना करें तो फिर मजा ही किस बात का है ना, तो आज हम लोग यहाँ पर मैगी बनाएंगे सब लोग मिलके, सरुली बनाएगी, इसको आती बनानी यहाँ पर बनाएगी, हैं बारिश नहीं होगी भाई। सो गाइस देखो मौसम तो यार बारिश का ही रह रहा है यहाँ पर, लेकिन हम पर यह है इसके ऊपर थोड़ी डाल देंगे, क्योंकि हम पहाड़ में आए हैं और इस चीज़ का मजा ले तो फिर बात ही क्या है ना। देखो यार आज तो बिल्कुल ब्लॉग बन ही नहीं पाया, अभी शाम के मैं 5 बजे ब्लॉग बना रहा हूँ, और देखो मामी लोग आराम, अरे नीचे चलते हैं, देखो मामी लोग आराम से यहाँ पर, मतलब जो चूल्हे पे ना, हाँ बड़ी मामी वाले चूल्हे पे, मामी को आता नहीं था चूल्हे पे जलाना, इसलिए मामी सीख रही है यहाँ पर जलाना, और आज एसी में मैगी खाएंगे, क्योंकि यार बहुत टाइम से हम मतलब सोच रहे थे यहाँ पर आने का, हमने सोचा जंगल में, लेकिन ऊपर को बोल रहे हैं कि यहाँ पर बाघ आया था, उसने बकरी वकरी खा ली मार मूर के, उसके सब डर गए हम नहीं जाएंगे, अब हमने सोचा यहीं बना लेते हैं, और अभी तो चलते हैं नीचे को, क्योंकि छोटी मामी लोग गए नीचे घास वास काटने, ठीक है, और ज़्यादा कंटेंट भी नहीं था आज मेरे पास, और चलो चलते हैं नीचे को, वहीं पर आराम से मजे करेंगे थोड़ी देर। अम्मा क्या कर रही हो? अच्छा सो गाइस देख रहे हो अम्मा मतलब इतनी बुजुर्ग हैं, और यहाँ पर धान वान अपना अभी भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है ना, तबीयत सब बढ़िया? नहीं तो क्यों, क्या हो गया आप पाँव में, क्या हुआ? घुटने दर्द हैं, घुटनों से कहाँ दर्द होता है, हमारी अम्मा भी ऐसी करती थी, हमारी अम्मा के घुटनों में दर्द आता है, लेकिन अम्मा हमारी सब काम करती थी। कितनी मेहनत करते हैं यार यहाँ पर, सच बता रहा हूँ हम इन सबको देख कर ना, यहाँ पर जितने भी अम्मा लोग हैं मामी लोग हैं, मेरी तो मामी हैं अब ऐसी बात है, क्योंकि नानी के आया हूँ अपनी, और सब देख के यार अपनी दादी की और मम्मी लोग की याद आती है मुझे, और वैसे भी सब परसों जाना ही है, लेकिन दादी की बहुत ज़्यादा आती है। तो गाइस देखो मैं तो हवा तेज चली हूँ, थोड़ा सा हमारा साउंड इफेक्ट आ रहा होगा गंदा सा है ना, लेकिन पता है मैं तो सोच रहा हूँ आज ज्यादा ब्लॉग इस पर ही रखते हैं, बिल्कुल फार्मिंग वगैरह एग्रीकल्चर पे उत्तराखंड के, क्योंकि मैं अभी इतना ज़्यादा जाना नहीं हूँ, मैंने भी जाना है, और मतलब ये भाई लोग साथ में चल रहे हैं इनको पता होगा भाई सब, मतलब कौन कौन से यहाँ पर मतलब जो क्रॉप्स होते हैं वो मतलब ग्रो करे जाते हैं, धान मड़वा गेहूँ, अच्छा धान मड़वा गेहूँ। तो भाई चलो आज चलते हैं नीचे को, मामी लोग सब नीचे को गए हैं, वहीं देखते हैं क्या करते हैं सब लोग, मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन अम्मा ने थोड़ा बहुत बताया था हमारे बचपन में कि मतलब मड़वा तो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, मड़वा गेहूँ, धान का नहीं बताया मुझे इतना ज़्यादा। गाइस ये देखो हमारे दा आ गए, दा हेलो कर दो, बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। हेलो गाइस। सो गाइस देखो यहाँ पर भी देखो ना सारे मतलब जो प्लांट्स वगैरह हैं सब मतलब ग्रो करे गए हैं, कोई धान है कोई अलग अलग पेड़ हैं सब, और मतलब जैसे कि है ना
कि यहाँ पर रास्ता नहीं आने का, लेकिन यहाँ पर मेड़ बना दी गई है, उससे सब लोग आते हैं। तो गाइस देखो जो बताए बताए होली में सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है, बताओ कौन सी होगी? है भांग है, बताए भांग। और यहाँ पर दादा इसको यूज़ कर रहे थे, दादा यूज़ कर रहे थे। अरे और ये देखो कितने सारे, कितने सारे मतलब भांग का ये पूरा होगा ना, यहाँ से लेकर वो एंड तक। धान भी यार, मसूर भी, इस सब में मिक्स है ना। तो गाइस देखो मिक्स करके भी यहाँ पर करा जाता है पूरा। ये होती है भटकी दाल, मतलब हम बोलते हैं ना, जो हमारे यूजुअली मतलब ये ट्रेन से मिलती नहीं है, जब उत्तरायणी मेला वगैरह लगते हैं ना तब मिलती है, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे घर में तो तभी आती थी, बहुत सारी आ जाती थी जब अम्मा लोग लेकर आ जाते थे। और ऐसी मतलब होती है, अभी तो पत्ते हैं, अभी ग्रो सही से वो नहीं हुई है ना, बड़ी नहीं हुई है अभी, अभी लगी है जहाँ तक। गाइस देखो मैं यहाँ पर आया और यार इतनी सारी चीज़ें जानने को मिल रही है ना यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में। ये पेड़ देख रहे हो, पेड़, ये आड़ू का पेड़ है, बिल्कुल सूख गया, बिल्कुल, क्यों? पानी की वजह से सूख गया था। इसकी किसी ने हानि काट दी है। क्या काट दी है? हानि, हानि बोल रहा है कि किसी ने हानि काट दी इसकी, और तब इस वजह से बिल्कुल वो हो गया है। ऐसा करना नहीं चाहिए यार। गाइस देखो ये होते हैं जंगली बेर ना, ये था पीछे रहो अभी। ये बेड़ू खाते हैं इसको, सो इसको भी खाया जाता है, पता नहीं खाया जाता, मतलब दाल इसकी क्या बनते हैं? बड़े होते हैं, इसके में दाने लगते हैं। अच्छा, फिर काले होते हैं, फिर इनको खाते हैं। अच्छा, मतलब वो सीजन के हिसाब से हरे काले हो जाते होंगे ना, है ना? अभी तो ग्रो नहीं, अभी ये सही से बच्चे हैं अभी तो। ये लगो ये पेड़ दिख रहा है आपको, बताओ क्या होगा? मतलब मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, बताओ क्या पूछ रहा हूँ मैं भी यार। ये बता, दाढ़ी में अनार का छोटा भाई, मतलब अनार का बड़ा भाई या छोटा भाई? छोटा। अनार का छोटा भाई दाढ़ी में, फल वैसे ही रखते होंगे मीठे मीठे, हमारे अनार के दाने जैसे ही होते हैं। सो गाइस देखो यार, कभी उत्तराखंड आओ तो इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा मजे लेना, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना, मैं अभी बता तो दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आना पक्का है उत्तराखंड एक बार। सो गाइस देखो मूली, ये तो मतलब हमारे जहाँ धोना ताई लोग रहते हैं ना, वहाँ पर भी ये ताई लोगों ने इसका मतलब बीज बीज लगाए थे, और अब मूली वूली आती है यहाँ पर भी, देखो सब लगी हुई है मूली वूली। और पता है ये मतलब अपने घर, मतलब घर में तो तभी तो बोलते हैं उत्तराखंड वाले इतने, मतलब क्योंकि वो वैसे वेजिटेबल्स भी नहीं खाते जिसमें केमिकल वाले। मेरे को दाढ़ी की बात चल रही थी, दाढ़ी बड़े होके ऐसे बनते हैं, बिल्कुल सही है, सही है। अभी ये इतने ही होते हैं ग्रो, ये नहीं बड़े होते हैं, बड़े इससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं। तोड़ा क्यों तूने भाई, खा ले अब। तो ये देखो सब लोग पहुँचे हुए यहाँ पर, दीदी मामी लोग, मतलब मामी तो एक दो मामी आई हैं हमारी, और सब बहनें आई हैं अपनी अपनी, ठीक है। और सब यहाँ पर घास वगैरह सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, फोटो वगैरह, फोटो सेशन चल रहा है लोग का। सुबह यार देखो थोड़ा सा मतलब बुरा फील हुआ मुझे यार, ये भाई है अपना, भाई इधर आ गया, ये भाई है अपना यार, बेचारा बोल भी नहीं पाता है और सुन भी नहीं पाता। सब बढ़िया, सब बढ़िया। वही देखो मुझे लैंग्वेज आती नहीं है, बेचारा समझ नहीं पा रहा यार, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे यार। ये देखो ये भाई, से देखो फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पर, फोटो सेशन मामियों का हमारी और बहनों का, और ये दोनों की बैठे हैं ऐसे। यहाँ देखो मामी का फोटो शूट चल रहा है, वो भी टोकरी के साथ, टोकरी कहते हैं क्या कहते हैं मामी? डोका कहते हैं। ये हमारे से पहाड़ में यूज़ करा जाता है, और मेरे ख्याल से असम वगैरह, असम जैसी जगह पर यूज़ करा जाता है, जहाँ पर टी मतलब घास काटने के लिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मिंग वगैरह होती है उस जगह पे। तो भाई देख लो यार क्या व्यू आ रहा है साइड से भी, सब लोग मतलब बैठे हुए हैं यहाँ पर अपने भाई लोग, और मैंने अपनी सब, और पीछे से व्यू देखो कितनी मतलब कितनी, और शांति कितनी आ रही है, और पीछे का देखो ये जंगल क्या, मतलब इतना ज़्यादा डर नहीं है, डर तो आगे साइड को होता है, घर को तो छोटे मोटे जानवर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आते शेर होते हैं, शेर होते हैं, मुझे पता नहीं है इस बारे में, सॉरी, ठीक है, मैं पता नहीं है कि इस जगह पे होता है नहीं होता है, मेरे तो यहाँ पर सुअर भी होती है, मुर्गी भी, सुअर भी होती है, मुर्गी भी। दा थोड़ी जानकारी दो यहाँ के बारे में, तुम तो बकरी बकरी चलाने आते रहते हो अपनी, बताओ तो। दा शर्मा गए, दा शर्मा गए। तो गाइस देखो ये है डोका, हमारी पहाड़ी लैंग्वेज जिसमें बोला जाता है डोका, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर यूज करा जाता है, लेकिन मैंने यूपी वगैरह में तो देखा नहीं इसको आज तक, है ना, तुम लोगों ने देखा सर यूपी वगैरह में? हमारी छोटी सी प्यारी सी बहन मतलब हमारी पहाड़ में रहती है चाची वगैरह वगैरह मामी वगैरह के साथ, ठीक है, और ये डोका बना रही है, हमारे लिए डोका तैयार कर रही है, इसको सब कुछ आता है, ये बहुत हेल्पिंग है यार, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग, और ये सारे काम कर लेती है, जितने से करवाओगे ना सारे कर लेगी, है ना, सब कर लोगी। गले में थोड़ी डाल डालते हैं ऐसे करिए,
Yes. तो भाई कितना लोड आ रहा है यार, कैसे तुम ऊपर ले जा लेती हो? सुंदरी वाला डाल दिया तूने? मैं तो यहाँ गिर जाऊंगा ऐसे यार। अरे अरे तो भाई देख रहे यार कितनी मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मैं हम लोग तो यूजुअली हम बहुत कम आते हैं यहाँ पर, मामी लोग आए होंगे यहाँ से आजकल मेरे ख्याल से 10-15 साल बाद पहले, और हम लोग भी इतना ही हैं। हम आज से अपने गांव भी ज़्यादा रहे नहीं, और यहाँ पर हम पहली बार ही आ रहे हैं। Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. तो गाइस देखो यहाँ पर मामी है फल तोड़ रही हैं। क्यों नुकसान कर रहे हो मामी किसी का? फिसालू इसको मेरे को एक गाना याद आया है। कौन था? तो गाइस देख रहे हो मामी आज पहली बार, कितनी पहली बार ना मामी, पहली बार कितनी मेहनत कर रही हो आप? मतलब मेहनत तो करती रहती है मामी, लेकिन पहली बार यहाँ पहाड़ में आकर इन सब चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं मामी लोग भी, और हम भी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जानने को मिल रही हैं। हम इतने टाइम बाद आए हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ जानने को मिल रही है। और देखो इस तरीके से पहना जाता है, वैसे देख लिया होगा मुझे पहनते हुए। और ये देखो गिर गया, मतलब टेक्निक कुछ नहीं करा जाता है यहाँ पर भी। अब यहाँ से देखो ऊपर लेकर जाना है, हम तो ले जा नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे तो अभी यहीं पर बारी लगने लग गया था। और मामी जो है यहाँ पर जो मामी हाइट में छोटी हैं, जो स्कार बांधी हैं, कन्फ्यूजन आता है, पता नहीं किसको क्या बोलूं। और वो यहाँ से लेकर जाएंगी वो अपने घर तक, वहाँ तक पता नहीं कैसे ले जा लेते हैं मामी अभी बताओ। देखो कह रहा हूँ प्रैक्टिस और टेक्निक सही होती है इसके लिए ले जाने की, पूरी फ्रिक्स लगा देती होगी आपने इसमें। हम ये बताओ आपको घास काटनी कैसे आती है? पता नहीं देख अपने आप चल रहे हैं मेरे हाथ। नहीं आपने सीखी क्या कभी काटना? अच्छे से काट ले रही हूं। देखो मामी डराती से कितनी तेज तेज काट रही हैं सबने। सुहाई देखो ये वाली मामी के पास है, इसको हमारी तरफ से इसे पता क्या कहते हैं? शहतूत। वहाँ रेड होते हैं ये, और यहाँ पर हिसालू कहते हैं, यहाँ पर ऑरेंज होते हैं। और देखो कितने मीठे हो रहे हैं भाई, कितने मीठे, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा सच इतने टेस्टी हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। इसे पूछो हो रहे नहीं हो रहे टेस्टी, इतने खट्टे खट्टे हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है भाई। वहाँ वालों में तो मज़ा ही नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खट्टे निकल जाते हैं, यहाँ जो मज़ा यहाँ पर जो खट्टे भी हैं वो भी इतने टेस्टी लग रहे हैं। खट्टे भी हैं मीठे भी हैं। तुम दांत नाक में लगे वो क्यों डालते हो उंगली? दांत नाक में उंगली बहुत डालते हैं। उससे ज़्यादा स्वाद आ रहा है। उससे नाक में उंगली डाल सकते।